चलिए दोस्तों, वीडियो आज का जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि उनका जो डाटा है उनको चाहे 1.5 GB मिल रहा हो, 1 GB या फिर 2 GB पर डे का मिल रहा हो, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते उनका डाटा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। और ऐसे में IPL वगैरह चल रहे हैं तो IPL के पता लगे कि पूरी इनिंग्स देख भी ना पाए तब भी उनका डाटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी सहायता से आप जो आपका चाहे भले ही आपको 1 GB डाटा मिलता हो, आप 24 घंटे तक उस डाटा को चला सकते हैं। और ये टिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताइए आपको पर डे का कितना GB डाटा मिलता है, क्या आपका डाटा भी पर डे ख़त्म हो जाता है, कमेंट करके हमें एक बार बता दीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी टिप्स मैं बताऊँगा तो सबका आपको यहाँ पर डेमो दूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मेरे हाथ में ये रियलमी फ़ोन है, अगर आपके हाथ में कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन है तो आप घबराइए मत, थोड़े से ऑप्शन इधर उधर होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप उसको अच्छे से ट्राई करेंगे, ज़रा सा भी टेक्निकली ठीक से ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है ना साइड में जो स्क्रीन चलेगी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पर करके बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं बताऊंगा एक सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, जहां पर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, उसके अलावा अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर, बिल्ड वर्जन इस तरह से कुछ मिल जाएगा, एक सेक्शन, उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। और बिल्ड वर्जन पर 8 बार क्लिक करेंगे तो आप एक डेवलपर, मतलब आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोबारा से फिर सेटिंग में जाएंगे और डेवलपर ऑप्शन खोज लेंगे। वैसे तो आपको एक्सेसिबिलिटी वगैरह मिल जाएगा, लेकिन डेवलपर ऑप्शन इस तरह से खोज लेंगे। और डेवलपर ऑप्शन खोलने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऐप्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपके में एप्लीकेशन भी लिखा हो सकता है, और मेरे में यहाँ पर जहाँ तक है ऐप्स लिख के आएगा। तो ऐप्स वाले जो हमको ऑप्शन मिल गया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप्स वाला ये ऑप्शन है, डोंट कीप एक्टिविटीज़ है, इनको ऑन कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपके में ये कुछ और सेट होगा, मैंने पहले से ही सेट करके रखा था। तो यहाँ पर आप जो है ना नो बैकग्राउंड प्रोसेस जो है ना उसको सेट कर दीजिए। ये पहली सेटिंग हो गई जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, डाटा आपका बचाने वाली है। दूसरी सेटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर है उसमें जाइए और ऊपर की तरफ मैं आपको बताऊँगा जो आपका लोगो है जहाँ पर आपकी ईमेल आईडी रहती है, वहाँ पर आप क्या कीजिए उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स जाने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। जब आपकी मर्जी हो तब आप एक एक करके ऐप अपडेट कर लीजिए, ऑटो अपडेट आप हटा दीजिए। और यहाँ पर इसके ठीक नीचे ऑटो प्ले वीडियो मिल जाएगा, तो इस ऑटो प्ले वीडियोज़ को भी डोंट ऑटो प्ले वीडियो कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ये बहुत काम आने वाला है डाटा बचाने में। अब मैं आपको बता दूँ अगला ऐप जो बताऊँ, गूगल क्रोम, सर्चिंग करने के लिए गूगल क्रोम आजकल यूज कर रहे हैं, ये एक डाटा हंग्री ऐप है, तो आप इसको भी सेट कर लीजिए। तो गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में जो ट्रिपल बार है उसमें क्लिक करेंगे, ट्रिपल लाइन, और नीचे की तरफ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से नॉर्मल सर्चिंग कर पाएंगे, इसको ऑन कर दीजिए। मेरे में पहले से ही ऑन है और यहाँ पर देखिए डाटा सेव होता है, यहाँ पर बाकायदा ग्राफ वगैरह दिया गया है, तो आपका डाटा आसानी से यहाँ पर सेव होता रहेगा, नीचे इसकी डिटेल भी दी गई है। अब हम बात करें कि अगर आप, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनके बैकग्राउंड में हमारा डाटा यूज होता रहता है, जबकि वो डाटा हमारे किसी यूज का होता नहीं, लेकिन वो हमारा बैकग्राउंड में डाटा ऐप जो है ना पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो आप यहाँ पर एक एक एप्लीकेशन करके भी उसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे में है ये अमेजोन का ऐप है, तो कोई भी ऐप हो, आपके में कोई भी ऐप हो, उस पर देर तक क्लिक कीजिए। लॉन्ग क्लिक करने के बाद आपको ऐप इन्फो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है डाटा यूसेज स्टेटस। डाटा यूसेज स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके में इस तरह से होगा, बैकग्राउंड डाटा जो है ना वो ऑन होगा, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सभी एप्लीकेशन का आप ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गूगल क्रोम वगैरह में
मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आप इसको ऑन रहने दीजिए, अन्यथा इसको भी ऑफ कर दीजिए। ये हो गया, ये बहुत ही काम की ट्रिक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक लास्ट ट्रिक बता देता हूं जो शायद आप जानते भी होंगे, सभी फोन्स में डाटा सेवर आता है। अगर आप उसको डाटा सेवर को ऑन कर देंगे तब भी आपका डाटा वहाँ पर बचेगा। तो आप उसको ढूंढना कैसे है, वैसे तो आप इसको जो विंडो उसको डाउन स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर डाटा सेवर कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक काम कीजिए, सेटिंग में सर्च कर लीजिए डाटा सेवर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ, डाटा सेवर, डाटा सेविंग जो है ना उस पर, डाटा सेविंग हो सकता है, डाटा सेवर हो सकता है, इस तरह से आपके में ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे में दूसरे नंबर पर निकल के आया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेरे में डाटा सेविंग पहले से ऑन है, आपके में ऑफ होगा शायद, तो आप इसको ऑन कर दीजिए डाटा सेविंग को, तो आप इस तरह से डाटा बचा सकते हैं। और अगर आपको 1 GB का पर डे मिलता है तब भी आप जो है ना आसानी से आपका 24 घंटे पार कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा आप के भी जो भी सुझाव और सवाल हैं उनको आप हमको इंस्टाग्राम पर लिख दीजिए, वहां पर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।